प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में स्वागत है आपका। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। मार्च से अप्रैल महीने में हम लोग पहुंच गए हैं और ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उनके गार्जियन उनको लेने आते हैं। तपती धूप में किस तरह से वो अपने घर तक पहुंचते हैं, इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय को सोचना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता दें, कई ज़िलों में जिलाधिकारी द्वारा स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। कक्षा 8 तक के बच्चों का स्कूल की टाइमिंग 7:30 से 12 कर दी गई है, लेकिन लखनऊ ज़िले में राजधानी में ये आलम है कि अभी भी 2 बजे छुट्टी हो रहे हैं छोटे बच्चों की। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बच्चे अपने घर तक जाएंगे। जी, जैसा कि गर्मी बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को दोपहर में आप लोग लेने आते हैं, क्या स्कूल की टाइमिंग चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। हम लोग धूप में परेशान हो जाते हैं और जो है बिल्कुल चेंज होनी टाइमिंग। तो जैसा कि अन्य जिलों में 12 बजे तक कर दिया गया है, जी पता होगा। जी 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 जी, यहाँ भी चेंज होनी चाहिए सर। ठीक, अभी हम और लोगों से बात करेंगे आपसे। हमारे साथ भैया, क्या धूप के कारण टाइमिंग चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई साहब। प्लीज़ आप लोग इसको दिखाइए कि 12 बजे से पहले कर दें, कम से कम छोटे बच्चे हैं, परेशान हो जाते हैं। जी, आपने देखा किस तरह से बच्चों को ले जाया जा रहा है। मैम, क्या जितनी तेज गर्मी पड़ रही है धूप, क्या टाइमिंग चेंज होनी चाहिए? Yes, हाँ जी भैया, टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जानी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ जी। आपने देखा सभी लोग, हर गार्जियन चाह रहा है कि टाइमिंग चेंज हो, क्योंकि गार्जियन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इतनी तेज धूप में, और किस कदर से बच्चों को लेके ये लोग जाते हैं। मैम, क्या टाइमिंग चेंज होनी चाहिए? हाँ जी, नहीं, जो स्कूल का टाइमिंग है इतनी धूप। हाँ जी, हाँ जी, चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए और पहले छुट्टी होना चाहिए। हाँ जी, बहुत धूप है, सुबह जल्दी कर दे वो ठीक है। हाँ ठीक, देखा मैम ने भी बताया सुबह जल्दी कर दें और दोपहर में जल्दी छोड़ दें इनको। किस तरह से बच्चा टावल डाल के जा रहा है, अपने गार्जियन ले जा रहे हैं। हाँ, और अन्य जिलों में हो चुके हैं, हम आपको बता दें। बहुत कंपलसरी है टाइमिंग चेंज होना छोटे बच्चों के लिए। कम से कम नर्सरी टू 5 तो चेंज कर दें, 8 से 12 कर दें। हर इंसान, हर गार्जियन चाह रहे हैं कि टाइमिंग चेंज हो, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है। 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच गई है। ऐसे में हर गार्जियन चाह रहा है कि टाइमिंग चेंज हो जाए, सुबह 7 से 12 हो जाए, 12 बजे तक छुट्टी हो जाए, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से हम अपने घर पहुंचा सकें, गर्मी से बचा सकें। आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग अपने बच्चों को बचा रहे हैं। कोई छाते का सहारा ले रहा है तो कोई टावल का सहारा ले रहा है। आप देख रहे हैं किसी तरह से बच्चों को बस बचाया जा रहा है कि इस गर्मी से बचाया जा सके। मैंने बताइए कि स्कूल की टाइमिंग क्या चेंज होनी चाहिए जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है? हाँ, चेंज तो होनी चाहिए। अन्य जिलों में जैसा कि हो गया है सुबह 7:30 से 12 बजे तक। हाँ, 12 बजे तक मैक्सिमम करना चाहिए। तो ये आप किससे अपील करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट या जिलाधिकारी? मैनेजमेंट क्या करेगा, जिलाधिकारी करेंगे जो करना होगा। स्कूल की टाइमिंग चेंज होनी चाहिए जी। क्यों बच्चों, गर्मी बढ़ रही है तो स्कूल की चेंज होनी चाहिए टाइमिंग। कुछ गमछा वमछा लगा लो यार। 2:30 बज रहा है। जैसे ही गर्मी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल के टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं, क्या आपके पास इस तरह के कुछ सर्कुलर आए? नहीं, अभी तक जिला प्रशासन से इस तरह का कोई भी लेटर हमारे पास नहीं है। और पिछले वर्ष तो आते रहे होंगे पहले? हाँ, पहले आते रहते थे, जब भी कभी गर्मी या सर्दी की कोई भी अधिक हुई है तो उसमें हम लोग को जो भी आदेश आता है उसका पालन हम लोग करते हैं। मैम, कोई गार्जियन ने इस तरह की बातें रखी? अभी फिलहाल तो ऐसी कोई गार्जियंस की कोई कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि
अभी टाइमिंग्स जो छोटे बच्चों की है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 7:30 से वही 11:30 के आसपास के टाइमिंग्स हैं, तो उसमें ऐसा कोई किसी ने भी हम लोग के पास कंप्लेंट नहीं की है। और जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।